मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। बिजनौर में अवैध रूप से चल रहे मीट कारोबार को डीएम व कप्तान के आदेश पर जिले में बंद कर दिया गया था। मुस्लिम व्यापारी एकत्रित होकर आज मीट के काम शुरू करवाने को लेकर जिले के एसपी और डीएम से मिले और मीट का काम शुरू करने के लिए अनुमति मांगी। व्यापारियों का कहना है कि मीट का कारोबार कर रहे कारोबारियों की कमर टूट चुकी है। जो सही ढंग से मीट का कारोबार कर रहे हैं उन्हें मीट के काम करने के लिए अनुमति दी जाए। इसी को लेकर के आज मीट व्यापारी एकत्रित होकर डीएम और एसपी से मिलने कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस पहुंचे हैं और डीएम और एसपी से मीट का काम शुरू करने के लिए अनुमति मांगी है। क्या नाम है आपका? वकील अहमद। वकील अहमद, आज आप डीएम साहब से मिले हैं और एसपी साहब से, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि पिछले 25 दिनों से पूरे डिस्ट्रिक्ट में मीट बंद है जी। इस समस्या को लेकर हम यहाँ डीएम साहब के पास आए हैं जी। और हम ये जा रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो। क्या कारण है मीट बंद होने का, कुछ पता चला? का कारण यह है कि जो गाड़ी आती है उसपे मुझे कह देती है कि मीट बंद करो। हाँ। कभी कोई कह देता है मीट बंद करो, इसलिए मीट बंद है। लगभग कितने दिनों से बंद है? 25 दिनों से दुकानें बंद है। तो अब आप एसपी साहब से मिले थे और डीएम साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन नहीं, कह दिया जी हम देख लें, एप्लीकेशन दे दी हमने उनको जी, उन्होंने कह दिया जी हम देखते हैं इसको क्या समस्या है। डीएम एसपी साहब से मिलने, डीएम साहब से मिलना आए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला सर ये है, ये जो हमारे शहरों में गाड़ी चली है, पेट्रोल हाउस आ रही है जी, मीट देती थी और उसके कारण जो है अब हमें मीट नहीं मिल पा रही है। उनका कहना गाड़ी वालों को ये है कि हमें ऊपर से थाने से मना है, कोई कहता है ऐसे मना है सर, आप ऐसी उसके साथ मिले, हम दोनों कहते हैं क्या हम दोनों को मना जी सर की। अब डीएम साहब से आए मिलने के लिए तो अपनी बात रखें, डीएम साहब ने समझ लिया है, दो चार मिनट करेगा। तो क्या लग रहा है आपको, क्या आपका कारोबार चालू हो जाएगा? हाँ, हमें इंशाल्लाह ज़्यादा जरूर चालू होगा, हमें उम्मीद है पूरी पूरी कि हमारा काम चालू होगा। तो हम तो मानक के द्वारा काम कर रहे हैं, मानक के हटके काम करते हैं, तो आप हमें सख्ती करते हैं, सख्ती कर सकता है, कोई भी सख्ती करे हम पे। ठीक, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।